नेक्स्ट टॉपिक इज टू डिमेंशनल एरे. प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था वन डिमेंशनल एरे क्यों होता है. नाउ टू डिमेंशनल एरे. टू डिमेंशनल एरे मीन्स जिस आप टू डिमेंशन मैनशन करी दी एरे दियाँ जिस एक डिमेंशन होंगी है रो वास्ते तो सैकेंड डिमेंशन होंगी है कॉलम वास्ते. मीनस फर्स्ट होएगा रो साइज एंड सैकेंड विल बी द कॉलम साइज. नाउ वन डिमेंशनल लाइक अभी एग्जाम्पल आप लाइक इंट ए ऑफ फाइव मीनस इस वन सबसक्रिप्ट है फाइव. फाइव की शो करेगा नंबर ऑफ एलीमेंट्स कितने स्टोर कराने हैं फाइव. लाइक ए ऑफ जीरो तो कोई डेटा एलीमेंट होएगा ए ऑफ वन ए ऑफ टू ए ऑफ थ्री एंड ए ऑफ फोर. इट मीनस टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट्स कितने स्टोर कराने हैं फाइव. बट जो कई बार आप कोई रिप्रजेंटेशन आ जाती है लाइक इंट ए ऑफ टू एंड टी थ्री हूँ ये है दो डिमेंशन है इनू आप कह सकते टू डी एरे. इट मीनस कि टू किनू रिप्रजेंट कर रहे हैं रो न एंड थ्री रिप्रजेंट कर रहे हैं कॉलम. इट मीनस नंबर ऑफ रोज विल बी टू एंड देयर विल बी नंबर ऑफ कॉलम्स डैट विल बी थ्री. क्लियर है. लाइक डेटा कैसे स्टोर होएगा ए ऑफ जीरो एंड जीरो ए ऑफ जीरो एंड वन ए ऑफ जीरो एंड टू एंड सेकेंड रो ए ऑफ वन और जीरो ए ऑफ वन एंड वन ए ऑफ वन एंड टू. मीन्स ए ऑफ जीरो जीरो तो एक डेटा एलीमेंट स्टोर होएगा ए ऑफ जीरो वन तो एक डेटा एलीमेंट स्टोर होएगा दैन जीरो टू तो एक डेटा एलीमेंट स्टोर होएगा दैन वन जीरो तो एक डेटा एलीमेंट स्टोर होएगा एंड सो ऑन. सो लाइक अगर आप स्टार्टिंग से यदि रिप्रजेंटेशन देखिए लाइक ए ऑफ जीरो जीरो ए ऑफ जीरो वन ए ऑफ जीरो टू एक इनू रिप्रजेंट करेगा फर्स्ट रो न. क्लियर है. दैन ए ऑफ वन जीरो वन 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 टू एक ही होएगी साड़ी सैकेंड रो. इस चीज़ को आप मैट्रिक रिप्रजेंटेशन भी कहते हैं. क्लियर है. जिस आप रोज के कॉलम्स के नाल डील करीदा है. हुण एक तुहानू एग्जाम्पल दिखानी आ. सब तो पहले आप पढ़ा डैक्लरेशन ऑफ टू डी एरे. टू डी एरे किस तरीके डिकलेयर कर रही है सेम एज इट इज़ जिमें वन डिमेंशनल एरे डिकलेयर करीदा है. बस डिफरेंस ये आ जाता है कि उस आप सिंपल साइज दसी एरे का बट ये आप रो साइज़ से कॉलम साइज दोनों मैनशन करीदे हैं. लाइक फर्स्टली आएगा डेटा टाइप दैन एरे नेम दैन रो साइज एंड कॉलम साइज लाइक इंट ए ऑफ थ्री एंड टू. क्लियर है. थ्री विल बी द रो साइज टू विल बी द कॉलम साइज. क्लियर है जी. इस तरीके आप डिकलेयर करीदा है टू डिमेंशनल एरे. सैकेंड इज़ द इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डिमेंशनल एरे कि आप वैल्यूज को किस तरीके इनिशियलाइज कर सकते हैं. लाइक इंट ए ऑफ टू एंड टू हम ये डेटा एलीमेंट्स आप स्टोर करा सकते टेन कोमा इलेवन कोमा ट्वेंटी कोमा ट्वेल्व. ये वास्ते आप यूज करा करली ब्रेसिस. क्लियर है. या आप विदाउट करली ब्रेसिस भी इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यूज को. लाइक इंट ए ऑफ टू टू इज इक्वल्स टू टेन कोमा इलेवन कोमा ट्वेंटी कोमा ट्वेल्व. मीन्स कंपाइलर ऑटोमैटिकली देख लेगा कि फर्स्ट रो तो सैकेंड रो दी वैल्यूज कि अपने आप वो मैट्रिक्स डिजाइन कर सकता है. क्लियर है. अगर आप बिना स्पेसीफाई किए लाइक अगर आप अगर रो साइज आप सपोज करो नहीं मैनशन करते तो सिंपली कॉलम साइज अगर मैनशन कर देंगे तो किस तरह का कोई एरर प्रोड्यूस नहीं होएगा क्योंकि उन्होंने ऑटो कंपाइलर ऑटोमैटिकली पता चल जाएगा कि हाँ कि अगर नंबर ऑफ एलीमेंट्स आप कितने स्टोर कराए उस अकॉर्डिंगली रो साइज़ में एडजस्ट कर सकता है. बट अगर आप कॉलम साइज नहीं मैनशन करा तो इतने एरर मैसेज डिस्प्ले होएगा.